friend, the duck. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक पुरानी मूवी का जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। मूवी का नाम है दोस्तों प्राइमल। इसकी लेंथ की बात करें तो वो है 1 घंटा और 25 मिनट। और ये मूवी बिल्कुल भी फैमिली के साथ देखने वाली नहीं है। अगर तुमने गलती से फैमिली के साथ देख ली तो ये मूवी तुम्हारे लिए एक हॉरर एक्सपीरियंस से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टोरी की बात करें तो दोस्तों इसकी स्टोरी में हमें 6 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिनमें 3 लड़के और 3 लड़के होते हैं, जो कि जंगल में एक पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करने के लिए जाते हैं जो कि पत्थरों के ऊपर बनी है। लेकिन जब वो जंगल में जाते हैं तो पहली रात ही उनमें से एक लड़की के साथ कुछ अजीब सा होता है, जिससे कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने दोस्तों को मारना शुरू कर देती है। और जो बाकी दोस्त होते हैं वो उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और मूवी में हमें यही दिखाया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या वो अपने दोस्तों को मार पाती है या फिर उसके दोस्त अपनी जान बचा पाते हैं या नहीं। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों मूवी अच्छी है या बुरी हो रही है, तुमको देखनी चाहिए या नहीं। बस वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल पर पहली दफा है तो उसको सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो बिना टाइम जाके वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें इसमें दिखाया गया एक्शन की, तो हाँ मूवी में हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। मतलब एक हॉरर मूवी के हिसाब से हमें एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। हॉरर एलिमेंट्स की बात करें तो दोस्तों मूवी में हमें कई जगह पर जंप स्केयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें डराने का काम तो करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें मूवी में कुछ भी हॉरर देखने को नहीं मिलता। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो स्टोरी टेलिंग यही है जितना मैंने तुमको बताई है और इसी के गिर्द सब कुछ घूमता है। हाँ मूवी में एक दो चीजें हमें देखने को मिलती है, लेकिन जितना हमें देखने को मिलता है मूवी में उससे ज्यादा तो इसे देखते टाइम हमारे दिमाग में सवाल होते हैं, जिनका कि मूवी अपने एंड होने के बाद भी जवाब नहीं देती, जो कि तुम मूवी देखोगे तो तुमको समझ आ जाएगी। प्लॉट की बात करें तो दोस्तों इस प्लॉट पर कई सारी और भी मूवीज बनी है, जिनमें कुछ दोस्त जंगल में जाते हैं और उनके साथ कुछ अजीब होता है, जैसे कि रॉन्ग टर्न, हाई लेन और हाल ही में आई द स्ट्रेंजर्स, इन सब में भी यही प्लॉट है। पेसिंग की बात करें तो 1 घंटा और 25 मिनट की ये मूवी है और जो मूवी में दिखाया गया है उसके हिसाब से मुझे तो इसकी पेसिंग बिल्कुल भी स्लो नहीं लगी, यानी मूवी ने मुझे कहीं बोर तो नहीं किया। तो हाँ तुमको भी इसकी पेसिंग का इशू तो नहीं होने वाला, क्योंकि मूवी कुछ बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों वो थोड़ी सी लो है, हिंदी डब जो है वो भी ठीक ठाक सा ही है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और दोस्तों परफॉर्मेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो दोनों चीजें भी एवरेज लेवल तक ही रखी गई हैं। इन दोनों में भी मूवी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे सामने नहीं रखती। ओवरऑल मूवी की बात करें तो दोस्तों ये एक ठीक ठाक सी मूवी है, जिसको अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेगी तुम्हारा, तो तुम इस मूवी को आराम से देख सकते हो और ये मूवी तुम्हारा एक डिसेंट सा टाइम पास करा देगी। मूवी की IMDb रेटिंग है दोस्तों 4.9 और ये तुमको एवरेज से हिंदी डब के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली न्यू मूवीज और सीरीज का रिव्यू तुम तक टाइम पर पहुंचता रहे।